मजलिस के आदाब बताए गए। ये देखा जाता है कि पहले से लोग आकर के जगह ले लेते हैं, उसके बाद पीछे से बड़ी देर में लोग आते हैं, और फिर कोशिश ये होती है कि जहां पहले से लोग बैठे हुए हैं वहां अपनी जगह बना लें। अब देखो ये कितनी गलत किस्म की शरारत है कि पहले से लोग आकर के आगे बैठे हुए हैं, जगह लिए हुए हैं, अब एक आदमी बाद में आता है और कांधों पे लात रखता हुआ कूदता कूदता वहां घुसाता है दरमियान में और जगह पर कब्जा कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मजलिस के आदाब बताए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफस्सहू फिल मजालिस फफस्सहू यफस्सहिल्लाहु लकुम। ए ईमान वालो, मजलिस के आदाब यह हैं कि जब तुम मजलिस के अंदर बैठो, कहीं बैठो, तो जरा खुल कर बैठो ताकि पीछे आने वालों को सही जगह पर बैठने का मौका मिल जाए। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला से मरवी एक रिवायत भी बुखारी शरीफ में है कि कोई आदमी अगर मजलिस में बाद में आता है तो वो किसी को उसकी जगह से उठा कर ना बैठे। ये रिवायत बुखारी शरीफ में मौजूद है कि कोई आदमी अपनी जगह पर बैठा हुआ हो तो उसे ये नहीं कहे उठ जा, फिर उसकी जगह पर बैठ जाए, इल्ला ये कि वो ये कहे कि मैं भाई बाजू में हो जाता हूँ, तू मेरी जगह पर बैठ जाए। बगैर उसकी इजाजत के आदमी किसी आदमी को उसकी जगह से उठा कर ना बैठे। ये मजलिस के आदाब में से एक अदब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू फिल मजालिस फफस्सहू यफस्सहिल्लाहु लकुम। और इसकी तशरीह खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, जो अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी एक हदीस है जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बुखारी शरीफ में नकल फरमाया।